अस्सलामुअलैकुम नेक्स्ट सगेस्ट चैनल में आज मैं अपने किचन बनाने जा रही हूँ चिकन शेज़वान नूडल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड कर लिया है कढ़ाई में। अब मैं उसमें बारीक चॉप किए हुए लहसुन ऐड कर दूँगी, अदरक ऐड कर दूँगी। इसे मैं थोड़ा सा इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारा हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, सबको हम अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, थोड़ा सा सॉल्ट, सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे सॉफ्ट होने तक कुक करूँगी। तो इसे हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे। तो सब्ज़ियाँ और चिकन हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए सब अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इसे बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर दूँगी, सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजीज और नूडल्स को। अब मैं इसमें शेज़वान चटनी ऐड कर दूँगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी शेज़वान चटनी है वो हमारे नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर दूँगी और इसमें मैं स्प्रिंग अनियन ऐड कर दूँगी। सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए नूडल्स हमारे बनके एकदम तैयार हो चुके हैं, तो अभी से हम सर्व कर लेंगे। हमारे नूडल्स बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए हैं, तो आप सब ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर।